मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यहाँ पर आपको चारों तरफ कुछ झाड़ियाँ नज़र आ रही होगी और यहाँ पर एक रेत भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं आज ये नदी कितनी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। एक रायका जी आ रहे हैं ऊँट को लेकर, यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो उन्होंने बारम धोने को ठाएगा की कर बनी हुई हो की करू। हाँ वो आपको सामने कुआ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा झूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये कुआ है और कितनी ऊंचाई पर मैं स्थित हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। क्या रहेगी आज की वस्तु, क्या है आज की चीज़, क्या आज मैं आपको एक खास बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप हमारे साथ में बने रहना अंत तक। पीछे कुछ निर्माण नज़र आ रहा होगा या दूर से तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नज़दीक जाकर इसका इतिहास और ये क्या चीज़ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और ये कहाँ पर हैं वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए उस ओर बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए ही मैं ऐसे वीडियो इस कंटीली झाड़ियों के बीच में से बनाने के लिए आया हुआ हूं, जो कि आपको एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और ऐतिहासिक चीज़ दिखाने के लिए, ऐतिहासिक जगह के लिए यहां पर इस नदी में आया हुआ हूं, जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। ये देख सकते हैं आज ये नदी कितनी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। और प्रत्येक वर्ष जब बारिश होती है तब यहाँ पर नदी चलती है और ये इनका आज का मुख्य बहाव क्षेत्र है जो देख पा रहे हैं। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यहाँ पर रेत है और ये एक नदी है और सामने आपको एक तट दिखाई दे रही होगी, ऊंचा ऊंचा धोरा आपको नज़र आ रहा होगा, मंदिर छोटा सा, और मंदिर के पास में एक ऐसा एक निर्माण किया हुआ है ईंटों से निर्मित, कुछ वैसी वस्तु हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए उनके पास जाते हैं। अभी धीरे धीरे हम इनके पास जा रहे हैं और विशेषकर यहाँ के कुछ लोकल लोग मिलेंगे तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या कारण रहा। दोस्तों मैं इस कुएं के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको सामने दिखाई दे रहा होगा एक ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय एक कुआं है। इतिहास क्या है जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश की है, थोड़ा सा हमें ज़रूर मिला है। एक रायका जी आ रहे हैं ऊँट को लेकर, यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है रेगिस्तान का। राम राम है बा, की करो, वाला फोन है। अरे भाड़वा आई है तो कू 1800 फोटो आयो भाड़ा आई है तो कू हो रहे। तो उन्हें बारह में धोने को ठाएगा की कर बनी हुई हो की करू। हाँ अठे रावड़ो तो रावड़ो खेतर तो है। हाँ अवेरी रावली थी कि गोमरी थी यूर। अब दूर से आप देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा है ये, आज भी ऐसा का ऐसा कुआ स्थित है, कई वर्षों पुराना है ये, आज का नहीं है, लगभग कहाँ जाए तो 100 वर्ष इसको हुए ही होंगे, इसे ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन कितना मजबूत था, आज भी ऐसी स्थिति में है। लगभग ये 50 फुट ऊँचा है। आप भी अगर इसे देखेंगे तो आप भी विचार करने लगेंगे ये, क्योंकि एक अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय चीज़ है। ये एक ऐसा कुआं है जो नदी के बीच में आज भी ऐसा कैसा खड़ा है। ऐसा कुआं यहाँ पर नदी के बीच में बनाने का क्या मकसद रहा होगा, यहाँ पर क्यों बना और इतिहास क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों
इस निर्माण को आप देखिए, एक नज़र से आप देखिए ये कैसे बनाया होगा। इतना ऊंचा कुआं है, ये एक कुआं है जो पानी पीने के लिए काम में आता था, बहुत पुराना है, कई वर्षों पहले का है, और इतने ऊंचाई पर कैसे होगा ये आप विचार कीजिए, सोचिए थोड़ा सा कि वहाँ से इतनी ऊंचाई से पानी कैसे पीते थे। बाकी इसकी ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी नीचे हैं, और यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो बहुत ऊँचा है, ये लगभग 50 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, और भी आज भी ऐसे की ऐसी स्थिति में हैं। तो दोस्तों, इसका इतिहास क्या है वो मैं थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, इतनी ऊंची यहाँ पर ज़मीन थी, ये सारे के सारे रेत हैं वो पानी के साथ नदी के साथ बह गई। क्या हुआ था, कई वर्षों पहले यहाँ पर तेज़ नदी आई थी, और उस नदी के चलते इसके कुएं के जो आसपास जितनी भी रेत थी वो धीरे 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 उस नदी के कटाव के कारण बहती गई, और पूरा का पूरा गांव इस पानी के साथ बह गया था। तो मैं आपको सामने आपको दिखा रहा हूँ, सामने आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिर है इतनी ऊंचाई पर था, ये यहाँ की भी ज़मीन थी, लेकिन नदी आने की वजह से ये सारी की सारी ज़मीन और यहाँ पर ये गांव बसा हुआ था जो पानी के साथ बह गया। ये वो मंदिर है जो मैंने नीचे जो खड़ा था कुएँ के पास में तब से दिखाया था, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, वो आपको सामने कुआँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा झूम करके को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये कुआं है, और कितनी ऊंचाई पर मैं स्थित हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो इस गांव की जो नदी आई थी भयंकर, उस नदी के साथ में कितनी मिट्टी बह गई थी। यहाँ पर जो ये नदी दिख रही है, यहाँ पर पूरा का पूरा गांव था, लेकिन अब वो नदी के साथ बह गया है। अब आपको बता दूं, ये है कोमता गांव जो कि जालौर ज़िले के सायला तहसील में स्थित है, और यहां पर गांव के ये रावड़ों का एक ये बेरा था, कुआं था, जिसे ठाकुर कहते हैं। इस हमारे यहां के कुछ स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिली, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं ठाकुर शाह का ये बेरा था, और जब नदी आई तो सारा घर और सारा गांव यहाँ से उस पानी के साथ बह गया था, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उसका एक नया गांव बसा है जो इस पुराने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है, जिसे नई बस्ती कोमता कहते हैं। और ये कुआं आज भी कई वर्षों से ऐसा का ऐसी स्थिति में है, और ये अब एक याददाश्त और निशानी के तौर पर ऐसे खड़ा है, इसे कोई गिराता नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक हमारी एक याददाश्त के लिए ही कि हमें याद रहे कि यहाँ पर एक गांव था बसा हुआ, इसकी वजह से ये कुआं ऐसे कैसे निर्मित है। और जिस नदी में मैं ये खड़ा हूँ, ये नदी है बांडी नदी, जो कि लूणी नदी की एक सहायक नदी है, जो लूणी नदी चलती है जो बाड़मेर बालोतरा के आसपास से होकर, उस नदी की ये सहायक नदी है बांडी नदी, और बांडी नदी में ये कुआं स्थित है कोमता गाँव में। और कोमता गाँव आप देख पा रहे हैं, अब ये मंदिर है इससे ऊपर इस ऊँचाई पर अभी स्थित है, लेकिन इससे पास वाला ये नीचे वाला हिस्सा सारा का सारा नदी के साथ बह गया है। तो दोस्तों, ये है इसका हल्का सा इतिहास जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर आप भी इस कुएं के बारे में और भी अधिक जानकारी आपको पता है, आपको मालूम है, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि ये कुएं का कितने वर्ष पहले नदी आई थी, क्या हुआ था, जो कमेंट में बताएँ तो हमें इसके बारे में और जानकारी पता चलेगी। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि नदी के साथ पूरा गांव बह गया, जो ठाकुर साह का ये बेरा था, घर था, यहाँ पर कुआं था, उस वो भी सारा का सारा उस पानी के साथ नदी के साथ बह गया, और उसके बाद में नया गांव बसा है जो आगे 2-3 किलोमीटर दूर नई बस्ती कोमता है। इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी है इस इतिहास के बारे में, तो आप हमें बताने का प्रयत्न करें। और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, ये एक बांडी नदी है, और पीछे आपको जो ऊँचाई पर एक बहुत बड़ा धोरा दिखाई दे रहा होगा, उस धोरे के उस पार पूरा पूरा पुराना गांव बसा हुआ है, जो आधा गांव पानी के साथ बह गया नदी के साथ, और आधा गांव आज भी वैसी स्थिति में है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि इस कुएं के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी कोई ऐसा ऐतिहासिक वीडियो डालेंगे तब आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी और उसकी जानकारी भी मिलेगी। तो हमारे साथ में बने रहें, हम आपके लिए ऐसे और भी अनेक ऐतिहासिक से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।